अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। यार आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा एक त्यौहार है जिसको कहते हैं ब्रोक हब, जो कि बल्ती बर्ड है। ब्रोक मतलब ब्रोक जहाँ पर चरागा, वहाँ से हम अपने गायें भैंस भेड़ बकरी सब को लाते हैं। सो आप लोगों को दिखाएँगे, तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो को देखने के बाद अपना प्यारा प्यारा फीडबैक ज़रूर दें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सो चलें। तो ये रहा जी हमारा गाँव, और गाँव के ऊपर उस साइड पे आप देख सकते हैं सारे बंदे वहाँ जा रहे हैं इस एरिया में। सो वहाँ पर वो ये त्यौहार मनाया जाएगा। सो हमारे साथ बने रहें, चलें हम लोग भी उस साइड पे जाते हैं। तो सारे आ रहे हैं और ऊपर ऊपर साइड पे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने भी इस साइड पे जाना है। हमारे यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है और पहाड़ों में बर्फ़ आना स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोगों को नज़र ये देख सकते हैं, पहाड़ों में जो है ना बर्फ़ आ गई है। तो हमारे गाँव के जो पहाड़ है अभी तक नहीं आई, ऊपर साइड पे आ गए हैं बर्फ। तो इस त्यौहार में ऐसा होता है कि जितने भी माल मवेशियाँ हैं उनको तमाम गांवों के जितने भी अफराद हैं उन सब में तकसीम किया जाता है। और हमारे गांव और एक गाँव का जो है ना उनका भी जितने भी पालतू जानवर हैं वो भी हमारे ब्रोक साइड पे ले गया हुआ है। सो उनको भी तकसीम करना होता है। सो उसका मरहला मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जी भाई लोग, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, हम आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। ऊपर से भेड़ बकरियाँ जो है चरागाहों से अभी नीचे लाए, अभी उनको अलग करके सब अपने अपने घर ले जाएंगे। इसके लिए सब यहाँ जमा हुए हैं और यहाँ पर एक घड़ा बनाया हुआ है, उसमें सबको डालेंगे और अपना अपना अलग अलग करके यहाँ से ले जाएंगे। अच्छा जी जी, वही ना जी, खत्म Ah
जो है ना सर में लगाया जाता है, इसके बाद यहाँ से अलग अलग करके अपने अपने घर के साइड लेके जाते हैं। सो शायद मैं इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करूँगा। व्लॉग कैसा था आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।